फरुखाबाद जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल से जल पहुंचने के लिए जिले में 381 पानी की टंकी का निर्माण दिसंबर तक पूरा होना है। आपको बता दें कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने में 2 महीने का समय शेष रह गया है। अभी तक 62 पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है और 319 पानी की टंकी का निर्माण शेष होना है। जो 2 वर्ष में विभागीय अधिकारी पूरा नहीं कर पाए, वह काम 2 महीने में कैसे पूरा करने का दावा कर रहे हैं। वही घरों में कनेक्शन देने के बाद भी नलों में टोटियां नहीं लगाई गई, जिससे पानी नालियों में बहता रहता है। वही ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत हर घर मुफ्त नल कनेक्शन देने की सरकार की योजना ठेकेदार एवं अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण साकार नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि जिन घरों में नल कनेक्शन लगाए गए हैं, उनमें अधिकांश में पानी आना तो दूर पानी की बूंद तक नहीं टपक रही है, और जिनमें पानी आ भी रहा है तो उसकी धार इतनी कम है कि बाल्टी भरने में काफी समय लग जाता है। नाम है आपका? नीरज। पिता का नाम? राम शरण। कहाँ के रहने वाले? गोविंदपुर रसदुल्ला। ये किस ग्राम पंचायत में आता है? कुइयां देर। ये जो आपके यहाँ जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, तो क्या पानी आपको सुविधा प्राप्त हुई इसकी? अभी तो नहीं हुई, 2 साल से टोंटी लग गई, अभी तो कुछ नहीं हुआ इसमें। अच्छा, ये जो जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा, पानी आपको कब से नहीं प्राप्त हुआ कार्य? करीबन 2 साल हो गए काम चल रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। टंकी नहीं बनी अभी? अभी तक नहीं बनी है। ये जो आपके यहाँ जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है, तो क्या आपको पानी की सुविधा प्राप्त हुई या नहीं? अभी नहीं हुई प्राप्त। कितने वर्ष हो गए? लगभग 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष हो गए, अभी तक कोई सुविधा? अभी तक कोई सुविधा नहीं है मिली। कितने दिन हुए कनेक्शन हुए आपका? 2 महीना कम साल भर। 2 महीना कम साल भर, अब तक कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं हुई? कोई नहीं हुई। टंकी आपके यहाँ बन गई? बन रही है। बन रही है, अभी तक बनी नहीं है? बनी नहीं। अभी तक पानी प्राप्त नहीं हुआ? नहीं। तो कनेक्शन हो गए सबके? सबके, पूरे गांव में कनेक्शन हो गए। नाम है आपका? आयुष। आपके पिता का नाम? राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? करनपुर गंगतारा जी। अच्छा, ये जो आपके यहाँ जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बन रही, कितना समय हो गया? लगभग लगभग 2 वर्ष हो गए। अच्छा, क्या आप गाँव में पानी किसी को मिला अब तक? अभी तक तो कहीं नहीं आया पानी। कनेक्शन हुए? कनेक्शन हुए है, पानी नहीं मिला। कनेक्शन भी किए, गड़बड़ कनेक्शन किए हैं। कैसे गड़बड़ किए? किसी का सही किया, किसी में पानी आया, किसी में नहीं आया, और सब तोड़ फोड़ के डाल दिए। अच्छा, पानी चालू किया गया था? हाँ, एक बार चेक किया था तो बहुत हो गए, तो यानी अभी पाइप ही नहीं लगे। अच्छा, नीचे से कनेक्शन कर दिया। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है जहाँ अंदर घर थे, पर पानी की टंकी तो अभी नहीं बनी। उस वाली वो दूसरे गाँव की टंकी है अद्दूपुर कर, उसका वहाँ भी पानी टंकी नहीं चालू। वहाँ से चेक किया गया था, चालू वहाँ चालू की गई। अच्छा, वैसे चलती हो, टंकी तो बनी नहीं अभी? नहीं बनी अभी, दोनों गांव की। अच्छा, हाँ, और जो अंदर जो गांव जो घर अंदर की तरफ पड़ जाते हैं, उनका तो कनेक्शन ही नहीं किया गया। अच्छा, ठीक। ग्राम सभा में टंकियाँ बनी, कितनी टंकी बनाने का लक्ष्य है, अभी तक कितना कर पूर्ण हुआ? जनपद में हमारे टोटल 2 एजेंसी काम कर रही है, और टोटल 381 टैंक बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 69 टैंक का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है, और शेष टैंक भी विभिन्न स्तर पर हैं, जिनका निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसका मतलब यह है कि समयबद्ध क्या है, जो मतलब ये जो हैंडओवर करना है पूरा? नहीं, पहले तो हमें जून तक करना था कंप्लीट, लेकिन समय से भी नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ विभिन्न समस्याएं रही, जैसे फ्लड का प्रॉब्लम रहा, कुछ लैंड के डिस्प्यूट रहते हैं, कुछ लोकल डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो जिस वजह से उस समस्या को देखते हुए 6 महीने की समय वृद्धि दी गई है, और अब इस वजह से दिसंबर 2024 तक किया जाए। सर, ये समस्याएँ आ रही कि जहाँ पर जो है पाइपलाइन डाली जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर कूड़ा खुद कैसे डाल दी जाती है, वहाँ बरसात में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इन सारी चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल, ये एजेंसी को काम करने के बाद रोड को सही भी करना है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ जगह प्रॉब्लम रही है रोड रजिस्ट्रेशन की, लेकिन उसको भी अभी वर्तमान में प्राथमिकता पे कराया जा रहा है, क्योंकि बरसात हो गई है, सारी रोड जितनी प्रॉब्लम थी वो सब सेटल हो चुका है, और अब हर गांव में मतलब रोड रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है, और ये भी 1 महीने के अंदर पूरा, मतलब 1 महीने भी नहीं, 15 दिन के अंदर ही सारा कार्य। गाँव पाइपलाइन तो डाली दी गई है, लेकिन जो है जगह जगह लोगों को पाइप भी दे दी है, लेकिन कोई टोटी वगैरह किसी प्रकार को अभी साधन नहीं दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं है, टोटियाँ भी लगी है, ये है कि क्योंकि अभी काम निर्माणाधीन है, तो इस वजह से कुछ स्थान पे हो सकता है आपको टोटियाँ नहीं दिखी हो, क्योंकि जब पानी कमीशन किया जाएगा, चालू किया जाएगा, तो सब जगह मतलब टोटियाँ भी लगाई जाएगी, उनको प्रॉपर क्लैंपिंग राउटिंग भी की जाएगी, और सब चीज़ सही की जाएगी, कोई चीज़ क्षतिग्रस्त अगर हुई भी है तो उसको भी ठीक कराया जाएगा।
टंकी के अलावा कुछ डायरेक्ट भी लोगों को पानी देने की सुविधा वगैरह है कि जिससे मतलब ये टंकी बिल्कुल ठीक बात है। जैसे टंकी बनने में एक मेन समस्या भी यही है कि टंकियाँ बनने में टाइम लग रहा है, तो इसके लिए वैकल्पिक हम क्या करें, जैसे जहाँ पे हमारे ट्यूबवेल लग गया और पाइपलाइन का काम भी अधिकांश पूरा हो गया, तो हम उसमें डायरेक्ट सप्लाई से भी पानी चालू कर दें, जिससे कि त्वरित राहत भी मिल सके।